बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को। जब सब लोग आ गए हैं, आसपास से बैठे हुए हैं, तो मुझे पहला चीज़ जो करना है, हम आपको इधर से अपना अदाब अर्ज भेज रहा हूँ। भाई बहन देखो, बड़ी गड़बड़ है और गड़बड़ होते जा रहा है देश में और देश के बाहर भी। द अमेरिकन सेनेट, तरी वो इसे सुनिए मौसी, क्योंकि ये बात बिहान तो लेकर के भोपा और तनी से ब्रॉडकास्ट कर दीजिए गांव गांव में। द अमेरिकन सेनेट कुछ सवाल की है, और कैसे सवाल की है, सूरीनाम के एम्बेसडर जो फ्रीन स्टार्ट फॉर अमेरिका में है, सूरीनाम का कारेन विलियम्स, जो द न्यू आखिरी एम्बेसडर फ्रॉम द फ्रीन स्टार्ट फॉर सूरीनाम। विलियम्स था बकलाह द बैंक में, इन द बकलाह डन बैंक साथ कारेन विलियम्स। द अमेरिकन सेनेट उनसे सवाल की है, और सवाल यह है, द अमेरिकन सेनेट जानना चाहता है एक फरक्लारिंग विलियम से, वो लोग चाहते हैं कि कौन सा रिलेशन प्रेसिडेंट बोल्टर्स और निकोलास मादुरो से है जो वेनेजुएला में है। भैया बहुत गड़बड़ बात है काका, सेनेट फी एस स्टेल्ट फ्रागन ओवर रिलेशन बोल्टर्स मादुरो, ड्रग स्मगल, करप्शन एंड मेंशन हैंडल हॉट इशू। इसलिए द अमेरिकन सेनेट कारेन विलियम्स को बकलाह द बैंक में बुलाई है, जो हम लोग का एम्बेसडर है अमेरिका में, एंड हर वर्ड एंड फरक्लारिंग गफ्रागड ओवर द स्टेन दी सूरीनाम ब्लैंक गेवन एन मादुरो। और ये लोग कहते हैं, अमेरिका कहता है, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अमेरिकन स्टेट्स ओएस, ये लोग का ये विचार है कि यही निकोलास मादुरो जो वेनेजुएला को नाश कर दिया है, यही निकोलास मादुरो जो वेनेजुएला को नाश कर दिया है। और द अमेरिकन सेनेट पूछ रहे हैं हम लोग के एम्बेसडर से, विलियम से, कौन सा संबंध है श्री बोल्टर से और मादुरो से, कि वही मादुरो जो वेनेजुएला को नाश किया, सब मुल्कों ने अलग हो गया और सूरीनाम अभी दोस्ती कायम की है मादुरो से। प्यारे भाइयों, ये सेनेट न सिर्फ सूरीनाम लेकिन तीन मुल्कों के बारे में जिक्र की है, कि इन तीनों मुल्क को बताना चाहिए कि वेनेजुएला से कौन संबंध, यानी निकोलास मादुरो से कौन संबंध रखे है, सूरीनाम, होंडुरास या निकारागुआ। प्यारे प्यारे लोग, क्योंकि बेहन खात है फॉर ऑल ऑन करप्शन, मेंशन हैंडल, मेंशन रखतन स्कैंडिंग एंड ड्रग्स स्मगल, ये तीन मुल्क के बारे में अमेरिकन सेनेट एक विशेष कोर्ट में, जहां बकलाह द बैंक में कारेन विलियम बैठी थी, उनसे सवाल की है कि कौन सा संबंध है बोल्टर्स और निकोलास मादुरो से, क्योंकि वही मादुरो आज ब्राजीलिया को नाश कर दिया और उस वही से आज संबंध है सूरीनाम, ये जानना चाहता है। तीन गो भाइयों बहनों, तीन दांत एक औरत के डाकुओं ने मार मार करके तोड़ डाले हैं, तीन द्री कपत खसलाकन फोर तांदन, एक दुकान के बात है, दो खवा पंद्रो फर्श दुकान में घुसा और लगल भाई औरतिया को मारे, औरतिया को मार करके और खींच खींच के दुकान में, यानी कि औरतिया को जब मार मारी से तीन दांत बेचारी के टूट के छितरा गई है,
अदमिया को हाथ पांव बांध करके उनको भी बहुत से पिटाई पीटीस और उनका सर पर कप में से काटिस भी। Hey, he and burst one over. दुकनिया में औरतिया को पकड़ के खींच खींच करके यहां उठा करके फेंके, वहां उठा करके फेंके और लात से मतले भी औरतिया को। Geslurd waar bij zij is geschopt en geslagen. Die pijsa kaha, pijsa kaha. 70.000 SRD. 5.000 Amerikaanse dollar. 5.000 euro. Je daku, je tla pijsa loot karke. A bhagnikla, je dukan malangweg weer hua hai, wanika, malangweg. Ek winkel echtpaar Malangweg in het district Wanica. Je kan sabere, 4 bade sabere ke baat hai. Doe daku dukaan me ghus karke a dunu prani ko bahut se bahut pitai pit le bhai. Suriname ke politie ko chahiye, wo to khabar sunta hoga. Lekin janta bari afsos karta कि उन लोग को समान ऐसे लोग लूटते हैं। आप जो जनता है तो जनता के लिए संदेशा मुझे देना पड़ता है भाइयों बहनों, समझे। और जो बात अब आप हम आपके बताना चाहूंगा प्यारे लोग, भाइयों बहनों, सूरीनाम के जनता, लातूर का पुलिसी को खबर मिला कि द्रियन त्रेजक और खुस्तस के एक लाश एक घर में है। व्यक्त फ्रीजन व्यक्त की बात है, एक स्लाब कामर में एक 12 साल के बच्ची का मृत्यु हुई और करीबन 3 या 4 दिन से ये लाश उसी घर में पड़ी थी। पुलिस को जो खबर मिला है, पुलिस पहुंचा, केबाड़ी खोलने के बाद 3 या 4 दिन से ये बच्ची का लाश उसी कमरा में मरी पड़ी थी। 12 साल की बच्ची के बात हम कर रहे हैं, व्यक्त फ्रीजन व्यक्त की बात है भाइयों। एक स्लाब कामर में इन फेर स्टार्ट फन ऑन बेंडिंग आन खोत्रोफन। जब डॉक्टर जाकर के विचार की है तो डॉक्टर कहते 3 या 4 दिन के ये लाश है। परिवार क्यों ये बात सिपाही तक पहुंचाया नहीं और परिवार ये बात क्यों छिपाई है, ये बात अब अंधसुख होने लगा है कि 12 साल के बच्ची का लाश 3-4 रोज से उन्हीं के कमरा में। घर में और कोई रहते भाई, और सब रहते हैं, लेकिन सिपाही को कोई तार किया और सिपाही ये लाश को बसलाख में लिया, इस लाश को सेक्सी कर रही है। एट लाइक इज फॉर सेक्सी एंड बसलाख वूमन। बहुत गड़बड़ भाई, इस 12 साल के बच्ची का मौत कैसे हुई है ये बात उन्हें सुख होना चाहिए। एक फिक्चर का मौत हो गया है डाम पर। अब जो क्रॉसिंग फॉर इंदिरा लान एंड द कुकोबिया कोवे, डाम के बगल में एक फिक्चर, उनका मृत्यु हो गई थी कुछ समय से, लेकिन जब बाद में लोग ने देखा कि एक फिक्चर सड़क के बगल में पड़ी है तो सिपाही को लोग ने तार किया है। कोकोबिया कोवेख और इंजीरा लान के कोने पर यह 54 साल का एम क्रेश ब्यूरख है। 54 साल का एम क्रेश ब्यूरख, ये कोई धक्का लगाने के बाद वहां से भाग निकला है। हो सकता है पिकअप ने धक्का लगाया है, क्योंकि खतई खुद एक गवाह ने देखा है कि एक पिकअप वहां से
पास हुए हैं। फिक्सर को धक्का लगा है लेकिन वो पिकअप वहां से भाग निकला है शोफेर। अब ये बात उन्हें सुख होगा, एक फिक्सर को धक्का मारने के बाद एक पिकअप वहां से भाग निकला और ये फिक्सर का मौत हो गया, 54 साल का एम क्रिस बेरो। रापारिस परिवार को शोक संवेदना प्रस्तुत कर रहे हैं भाइयों। हमारे सरनाम के तमाम जनता देखो, सलारस आन पासिंग, ये जो सियालो आमतनारन के लिए पैसा के बातचीत हुआ है फरहूकिंग के बारे में, ये न सिर्फ आमतनारन लेकिन ख्रीफीर्स बे द कांटोन रेख्टन एंड बेहद होफ स्टीसी, क्योंकि ख्रीफीर जो कांटोन के है होफ, ये अभी तक आमतनारन के बजोल्डिंग में ये लोग पैसा पाता है आमतनारन, वो लोग को भी फरहूकिंग मिल रहा है। द टेलीफोनिस्ट बेहद कांटोन खरे खाट फन एन सलारस 1100 ब्रिटो एन सब्स्टिट्यूट ख्रीफीर सितंबर से 8000 ऐसे दी पैसा कमाई, इस उनका तनख्वाह है 5438 लेकिन अब 8000 उनको मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करके सबके तनख्वाह बढ़ल है और मिनिस्टर्स लोग को भी असेंबली लीडर के सरनाम भर के लोग के पैसा बढ़ गए हैं, लेकिन कहां से ये पैसा भराई काका? ये पैसा के बारे में कोई तो फिक्र करता ही नहीं, कहां कमाए कमाए के धर लो है कि अब इतना पैसा बची। पॉलिटिक कंपनी शुरू हो चुका है, एनपीएस गई कोरोनी में, पॉलिटिक कंपनी शुरू हो चुका भैया, ये सूते तो सूते रह जाए, जो पॉलिटिक पढ़ते अभी सूतक है वो सूतले रह जाए। एनपीएस पहुंच गया कोरोनी में, एथनल पकड़ी से माइक्रोफोन पैट्रिशिया एथनल बोले 2010 से कोरोनी में बड़ी तूफान मचा भाई, बहुत से बर्बादी भय कोरोनी में, द कोरोनियान जो एनडीपी पर वोट दिया है वो सोच रहे थे कि परिवर्तन लाएगा कोरोनी में, लेकिन पैट्रिशिया एथनल हो बस्तुस लेट है एनपीएस का, कोरोनी में जा करके माइक पकड़ करके बोलने लगी, एथनल फ्रुख जिस फ्रुख एथनल आन आन वेसखन, साल भरा था भाइयों, बोले कि आल शफा कोरोनी होच कानिया निच टेमन फॉर एनडीपी। मैंने कहा ना आपसे अब तो कंपनी शुरू हो चुका है, बोले कोरोनियान अपने लिए मत सोचो, देश के लिए कोरोनी के लिए सोचो, और अब आप लोग फ्रम्बो के नीचे आकर के बैठो, यवरन के पुलाता है, बोले जो लोग कोरोनी को चाहते हैं वो एनडीपी पर वोट कभी नहीं देगा। एथनल पैट्रिशिया की बात ये है। हम आगे चलते हैं भाइयों बहनों, आप तो जानते हैं कि एक स्पीड बोट में से दो लोग, एक गिरा रीवा में एक बोट में, बोट में जो गिरा वो ज्यादा घायल हुआ, लेकिन जो रीवा में गिरा ये इतवार की बात है। हम 49 साल का वेद प्रकाश गरीब के बारे में बात करते हैं, एक बोट में से ये गिर पड़ा रीवा में और अभी तक लापता है। ये दो लोग बैठा रहा डेक पर, प्लसीर बोट डेक पर बैठा रहा था, लेकिन कुछ समस्या बिगड़ गई बीच रीवा में और एक रीवा में गिर पड़ा
एक उसी बोट में, जो बोट में गिरा उनका कुछ हाथ तो टूटा है, लेकिन जो रीवा में उनका लाश अभी तक न मिला है। इन फॉर द मैन इज इन द रिफीक फॉलन एंड इज इन द डिप्ट फॉरवीनन द देखनन फेटिक यारख वेद प्रकाश गरीब। इनका इस लाश अभी तक मिला नहीं। ये कमवेन श्रीनाम उसी मोन्दे के बाद है। सिपाही और बाकी लोग लाश को तलाश कर रहा है। फरमेस्त मान बहुत अंकुल नोख नीच खफोंदन। हम लोग परिवार को, परिवार गरीब को शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। यह कल्याण के बारे में जो कल मैंने जिक्र किया था, कल्याण बड़का बड़का बोट भाइयों, जैसे हम लोग के सूरीनाम के फेर बोट रहा, आप जानते हैं ना, उससे तनी बढ़कर के है। और ये हम लोग के रीवा मरवेने में करीबन 30 बोट कल्याण वहां पर है, ब्राजीलिया के है। कितना पैसा, कितना बल्लास्ते ये लोग भरत है पता नहीं। और जितने जगह पर ये कल्याण है भाइयों बहनों, कितना पैसा देता ये लोग, सवाल करने के लिए कोई तो है ही नहीं। बाकी करो तो का करियो बप्पा। जनता देखो, छुट्टी का समय है, फकांसी के समय है। द सोशल कल्चरल एंड रिलीजियस जोग्राफरीनिंग लेलिंग सारे नौ 10 दिन के लिए रामलीला का खेल शुरुआत कर चुका है, कल शुरू हो गया है। अब फैल फंड बोमा स्टार्ट मखंता और 2 सितंबर को ये रामलीला बंद होगा। शाम को 6 बजे शुरू हो जाता है, 8 बजे रात तक याद रखना। फ्रीडम शेरी बे वहां रामलीला का खेल होगा सितंबर महीना में, याद रखना। जनता रामलीला का खेल जनता को दिखाने के लिए बहुत से खर्चा होता है और खनिशासी बहुत से मेहनत करता है और खनिशासी सिर्फ जनता को दिखाने के लिए कि रामलीला क्या है, वो लोग इस खेल के लिए कितनी समय निकालता है, बहुत से समय। और इसलिए जनता, आप लोग धर्म प्रेमियों, रामलीला के खेल देखने के लिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि सोशल कल्चरल यौवन फरी नखिंग SCRA ये बहुत से पैसा लगा करके ये रामलीला का खेल दिखाते हैं लोग को। अगर आप जाएंगे, अगर आप सहायता करेंगे, आप मदद करेंगे, तो समझ लो कि हम लोग अपना इज्जत और अपना नाम ऊंचा रखेंगे। मत भूलिए ये रामलीला का खेल मखंता जहां वो मस्तार है वहां पर शुरू हुआ और 2 सितंबर तक रहेगा। भाइयों, 2 एडवोकेट जनरल प्रेसिडेंट, वाणिमंत प्रेसिडेंट माइकल अश्विन अधीन के द्वारा, यानी वो बेइज हुआ है। ये बेइज हेंग रहा गार्सिया रामचरण पराग सिंह और कार्मेन लिक्विशु रसाम। और ये दोनों एडवोकेट जनरल हुए हैं और रॉबर्ट प्राग एंड शॉर्शीन द मिरांडा लेट्स फानेथॉफ। खास करके रापार भैया, दोनों एडवोकेट जनरल को
गार्सिया रामचरण पराग सिंह एंड कार्मेन लिक्विशु रसाम दोनों आखे लोग कहते हैं एडवोकेट जनरल, और रॉबर्ट प्राग एंड जॉर्जिन द मिरांडा ये है लिट फन इट हॉफ। इन दोनों को हम लोग मुबारकबाद देते हैं जनता की ओर से, क्योंकि ये सब जनता ही के काम करने के लिए ये लोग को ये दर्जा दिया गया है। और हम लोग अपना प्रोकुरर जनरल रॉय बैजनाथ पांडे को भी मैं हम लोग मुबारकबाद देते हैं कि चार लोग उन्हीं के सहायता देने के लिए चार लोग और आए हैं जिन्हें बेइज्जत किया गया है, उन्हें भी मुबारकबाद हम लोग देते हैं। अगर जनता हमारे भाई बहनों, आज हम अखबार की कुछ खबर आज तक पहुंचा रही हैं। अब लोग कहते हैं कि भैया बारिश बरखा बोले अब तनी कमती बरसी, खिलवाड़ मत करियो बप्पा, बरखा से खिलवाड़ मत करियो, रह रह करके ऐसा वो झारत है, संझा के जवाब लगी तब बिजली पहले चमका, बिजली पहले चमकता भैया उसके बाद बादल गरजता है, वही में धर के हिलावत है भैया, वही में धर के हिलावत है। यहां लिखा कि रीखन तेज बंद नहीं, रीखन तेज बंद नहीं है, झूरा आवत है धीरे धीरे, हाहाकार करके बरखा आवत है भैया, सब बुरा देता है। अब देखो सब लोग विचार करते हैं कि सीएलओ के पैसा जो बढ़ल है ना, जैसे भैया हनुमान कहता है सुंदर प्रसाद हनुमान, बोले कि एक प्रोपेगंडा स्टंट है यानी चुनाव के लिए, बोले चुनाव आवे है बीच में पड़ल है चुनाव, इसलिए आम चना लोग को फरोख दे दिया गया है। प्यारे लोग बॉन्ड बलांग बाहर तक पेंशनेड एट ओवर हेज दीज बेबी खियो, अभी उन लोग को फूटी कौड़ी नहीं मिला, वो लोग को मिला पटरंग उड़ावे के, बुढ़वा बुढ़िया को मिला पटरंग उड़ावे के काका, अब भी उन लोग को कुछ नहीं मिला पेंशनेड आम चनारन के, कब तक पतंग उड़ेंगे देखो, पतंग उड़ाना भी चाहिए बाकी न भूखे पेट से बाप। ए काका, अगर आप अखबार के संदेशा पढ़ते रहियो तो यहां द नीवल लेव का एक आर्टिकल है, और ये आर्टिकल आप पढ़ियो, क्योंकि वही बात है कि ओवर हेज जो क्वेश्चन फॉर होख द मात्र इखलन लिया है बगैर दिमाग बगैर सोचे समझे, बगैर सोचे समझे ये क्या है, समझे ना, इस पार्टी का फोर्सिटर है इंजीनियर धर्म मोहरा जी। और आगे चल करके गर्गी रिश्लान क्या कहते हैं, वे हैव अन इधर नो द एनपीएस, अब सब लोग को बुला रहा अपने पार्टी के अंदर ना, क्योंकि अगर ये इस पार्टी में एक जवान आ रहा कि एनपीएस का दोनों कुर्सी था कोरोनी में एनपीएस के रहा, आज एनपीएस के वहां कुछ नहीं, निकेरी में एनपीएस का एक से ही चल रहा, आज एनपीएस के निकेरी में कुछ नहीं, सरमक्का में एनपीएस का एक से ही चल, आज एनपीएस के वहां कुछ नहीं, वारिका में एक से ही चल, आज कुछ नहीं, पारा में एक, मतलब कि खाली पारामारी बो में दो से ही चल, जो ये लोग फेई फरबांत में चुनाव में भाग लिए हैं, एनपीएस का दो से ही चल पारामारी बो में है और कहीं से ही चल नहीं है, इसलिए कोरोनी में एनपीएस जोर तोर से काम शुरू कर दिया है। अब देखो कि
का कॉलोनी में कौन चीज हासिल करता है, क्योंकि कॉलोनी में वहां पर लोग कहते हैं कि हर एक प्रत्याय वहां कोशिश करते हैं सीटल के लिए ना, देखो कौन प्रत्याय को सीटल मिलता है। आगे चल करके भैया लोग, हाँ प्यारे प्यारे लोग, हमारे सूरीनाम के हर एक तमाम जनता और हमारे जो वेबसाइट के तमाम लोग हैं, अब पता चला कि जहां बड़का बड़का गढ़ा बीच दाम पर है, सड़कों पर गढ़ा हो गया है, अब ये गढ़ा को लोग बंद करता है, लोग बोले प्लम्बेर करते हैं जिसे दांत, लेकिन ऐसे न बप्पा, ढेर ढेर आसफाल गिरा करके मशीन से उन्हें चपकाया जाता है। Gevaarlijke kuilen binnen staat worden gedicht. Rooms-katholieke bisdom Paramaribo kal 60 jaar ki hua hai. Ek mijlpaal. Suriname ke har ek janta yahan par sab janta ke alang se sabhi Rooms-katholieke ke log ko mubarakbad. और पता चला कि एक स्पोर्ट टूर्नामेंट का शुरुआत हुआ है इन है मॉन्सिनियर अलिशियस सीखम स्पोर्ट सेंटर, 10 बजे से शुरू होता है और एक बिहान सवेरे 10 बजे एक होख मेस रहेगा इन द सेंट पीटर्स एंड पॉलिस कैथेड्रल बासिलिक। और यहां पर इस होख मेस में जेसन गॉर्डन आर्च बिशप फॉर स्पेन वो आकर के भाषण देगा। तो ये खास तौर पर प्रोग्राम चल रहा है और इसी बासिलिक में मॉन्सिनियर कार्ल चुनी बिशप फॉर पारामारिबो एक स्पेशल बोधशाप जनता के लिए पेश करेंगे। सब लोग को हम लोग बधाई देते हैं क्योंकि हम लोग जो देश में रहते हैं हम लोग मिल मिल करके सहायता देते हैं और लोग को प्रोग्राम के लिए भी मुबारकबाद भी देते हैं। हमारे प्यारे लोग, फिर पता चला है अलीमोनी एक गांव के नाम है। अलीमोनी में छुरी का भकौवल हुआ और पता चला कि एक का मौत भी हो गया है। दौदलक स्टेक पर थे इन अलीमोनी खबीज पुलिस ब्रकोपोंदो के वहां अंधसुक कर रहा है कि के छुरी भोग करके जिसका हत्या की है। इतना बात है कि मुमकिन कि ब्राजीलियन होगा क्योंकि दो ब्राजीलियन बैठ करके दारू पी रहे थे, शराब पिए रहे थे और अचानक दोनों में बात बिगड़ गया और एक निकासी से छुरा और एक का पेट में घुसेर दिया, वहीं पर उनका प्राण निकल गया, वहीं पर प्राण निकल गया। ये ब्राजीलियन जहां तक हम सोचेला। और ऐसे भी पता चला कि कॉन्सेसी होल्डर्स बीफे के रात्रि को झगड़ा हुआ दो कॉन्सेसी होल्डर्स में और दोनों के अलग से गोलियां चला, गोली चले भैया जिसे फिल्म का शूटिंग धर धर शोटन खोलोस बे रूजी टेसन कॉन्सेसी होल्डर्स का होवे तोहरे देश में मौसा, ये कौन तमाशा तोहरे देश में होवे, ये का होवे है बिना लात में दगवल होवे भाई, जैसे खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं है? बस्तूर डिंस्ट फंडी केरी ये क्या किया है भाइयों, ये दुकान जब देखी कि यहां पर दवाइयां बेचलान से दवाइयां लाया गया है बेचने के लिए, लोग कहते हैं मेडिकामेंटन टेन फेरकोप आनबीजन दी सौदे एलखाल एट ब्यूरलैंड गयाना वर्दन आंखोर्ट वो सब बसलाख में ले लिया है।
सब बसलाख में ले लिया है। अजंट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारस जॉर्ज तुलसी होफन मिलियो एल्खोजों थे इस दिन्स कमिशरियात ने केरी बोले हम सब बसलाख में ले लिया है। बोले हमारा नाम जॉर्ज तुलसी, हम सब बसलाख में ले ली है, समझे ना। द एक्सी इज एन ओवरलैप में वारनेमर डिस्ट्रिक्ट कमिसारस जुआन Arupa en in samenwerking met ministerie Handel, Industrie, Toerisme uit te voeren. Je hebt medicamenten, Guyana se aya hai, ne? Aur upar se pata chala hai ki hus drank se beslag genomen. Paracetamol, ye sab aya hai Guyana se, ye sab beslag mein le liya gaya hai. तो ये बात रहा आप तक भी पहुंचाने के लिए। भाइयों, आप लोग समझदार है तो आप लोग को ये संदेशा दिया गया है। तो चलेंगे जनता को मैं ये वीकेंड जो है, और वैसे तो आप जाएंगे ओर्दन करते हैं, ओर्दन फकांसी ओर्दन, तो जइयो तो खाना पीना से तरी फुर्सत तक रहियो, कौन सी आप खाते हैं, कौन सी पीते हैं, और कौन कैसे उसमें घूम कूद करके आप नहाना चाहते हैं, ये सब चीज पर आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों पर भी ख्याल रखना, जो अपने बच्चों के लेकर के बेटा बेटियां को लेकर के जाएंगे, बाप और माई का ये परप्लेक्स्ड है अपने बेटा बेटियां पर नजर रखने के लिए। ऐसे ना करियो कि बाप हमारे वहां पर बोतल खींचत है, चुक्कर मारत है दोनों परानी, मारत है चकार चक बोतल, अब बेटा बेटियां पानी में। ये काम मत करना भैया, ये काम मत करना, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले स्वयंबात में एक लड़का गिर गई, अचानक एक मामा बाद में देखी और कूद करके बड़ी मेहनत से वो उनका जिंदगी बच गई है। वो मर जाती थी, मर गई होती अगर एक मिनट या आधा मिनट अब एक वहां कोई पहुंचता, लेकिन समय पर पहुंच गया और उसको कूद के निकाल लिया। तो जितने मैया बप्पा है, कोई को मिनाही नहीं है कि दारू पियो या दारू ना पियो, अरे सुर को बोतल लगाओ, एक बोतल मारो, घटकट घटकट झुरवा दो, लेकिन बेटा बेटियां पर नजर रखना, बेटा बेटियां पर नजर रखना काका। वो अगर पानी में उतरेगा और पौड़ने नहीं जानता है तो तुम्हारा हाथ से वो लड़का निकल जाएगा, इतना बात याद रखियो। हमारा देश का प्रेसिडेंट बहुत से अभी कुबा हफाना में है, आपसे जानते हो उसका उपरासी हो चुका है, और कुछ दिन उनको वहां पर रुकना चाहिए, और उसके बाद में श्री बौतर से अपना जेले खासी के साथ वापस घर को आएगा। तो आप जानते हैं, कुछ दिन पहले हम आपको बताए थे कि सब पॉलिटिक पार्टी कुछ न कुछ करने लगा, और एनडीपी का भी मुमकिन है इसी साल दिसंबर में एनडीपी का चुनाव होगा ना, और चुनाव में के भर्ती होगा पता भी नहीं है, लेकिन सब लोग एक बात अब सोचते थे बप्पा कि 2020 में चुनाव जीतने के लिए, और के चुनाव जीती, चुनाव वही जीती जिसका रिपोर्ट ठीक है, जिसका रिपोर्ट ठीक है, न जो चोरी किया है, लूटमार की है, दगाबाजी की है जनता के साथ, जितना लोग दगाबाजी किए जनता के साथ, जनता के धन लूट ले, जनता के खेत लूट ले, जनता का ये ओके अपने के इज्जत बचाने के लिए दोबारा अपने आप को लिस्ट पर नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें जनता नंगा कर देगा, आपसी नंगा कर देगा। चोर लोग को कोई जनता अब चुन के नहीं बैठाएगा, चोर बेईमान लोग को जनता चुन के अब नहीं बैठाएगा। एक चोर एक बेईमान जो है बेहतर कि वो चुनाव के बाद, ये चुनाव आ रहा है, वो चुनाव में भाग न ले और कहीं निकल जाए, भाग जाए दूर जंगल उंगल में, समझे ना।
लेकिन अगर वो चोर अचंदाल के नाम फिर रेस पर आएगा तो शायद वो पॉलिटिक पार्टी जहां 5 सीट चल वहां 1 सीट चल नहीं पाएगा, क्योंकि जनता के आंखी खुल गया है और जनता चोर चंदाल लोग के पीछे अब न चलेगा। भाई बहनों, आप होशियार है और आपके कान में ये बात घुस गई है, इन्हें जकड़ के मुरी खोपड़ी में रखो, इसको बाहर मत निकालो, क्योंकि तुम्हें सच सच लोग को, सच्चाई लोग को, ईमानदार लोग को अब से कुर्सी पर बैठाना चाहिए। अगर आप फिर चोर चंदाल को बैठाएंगे तो एक कसूरवार आप खुद रहेगा। शुक्रिया, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे।